एस एस सी सी जी एल डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे सामने यह है दो सौ चौदह मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग जो हैं जो टीयर थ्री पेपर की तैयारी कर रहे हैं ओके उन सब से कहना चाहूंगी कि आप लिख कर प्रैक्टिस करें काफी स्टूडेंट से इंट्रैक्शन होता है वो कहते हैं है, मैम मैंने ऐसे लर्न कर लिया है नहीं ऐसे नहीं होता है आप अगर लर्न भी कर लेते हैं तो फिर किस तरह से जरूरी तो नहीं है कि वही टॉपिक आए उस सकूे हिस्सा हो सकता है जो आप किसी दूसरे ऐसे में यूज कर सकते हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी बेहद जरूरी है बहुत बार लगता है कि चीजें मुझे आ गई हैं लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं धरातल पर तो आपको लगता है कि नहीं नहीं भाई सारे पत्ते मेरे बिखर रहे हैं तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना जो है वो बेहद जरूरी है चलो हम शुरुआत करते हैं देखते हैं ये वाला पेपर की इसमें आपको क्या टॉपिक दिया गया था टॉपिक बहुत ही रोचक है आपके सामने और टॉपिक जो है वो है वर्किंग फ्रॉम होम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज घर से काम करना चुनौतियां और अवसर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है देखो इन दिनों कोविड नाइनटीन जो है कितना ज्यादा वो चर्चाओं में है कोविड नाइन्टीन से संबंधित बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं कि कोविड नाइन्टीन जो है उसने दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह से बदल दिया है या कोविड नाइन्टीन का ऑनलाइन बिजनेस पर क्या असर पड़ा है उन्हीं में से एक ये है हमारा वर्किंग फ्रॉम होम क्योंकि अब अधिकतर लोग जो है कोविड नाइन्टीन के दौरान उनको घर से काम करने के लिए कहा गया है तो इसमें क्या चुनौतियां हैं इसमें क्या चैलेंजेस हैं इसमें क्या ऑपरचुनिटीज हैं ओके ये आपको टॉपिक दिया गया था उसके बाद लेटर के लिए आप अब यहाँ पर आप देखिए आपको लेटर के लिए क्या टॉपिक दिया गया है लेटर के लिए आपको दिया गया है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर हाइलाइटिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय लेबरर्स ड्यू टू लॉकडाउन इन द कंट्री टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड नाइनटीन ओके देखिए कोविड नाइनटीन के प्रसार को रोकने के लिए उसको फैलने से रोकने के लिए देश में तालाबंदी के कारण मजदूरों को होने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए आपको एक दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना था यह आपको दिया गया है देखो आ, इन दिनों आप काफी ज्यादा टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह काफी सारे हमारे जो मजदूर हैं उनके पास खाने को नहीं है कमाने को नहीं है तो उनमें से काफी सारे हैं जो पैदल बहुत सारी ओके जो पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गाँव वगैरह जा रहे हैं है तो इस तरह का जो टॉपिक है इसके ऊपर आपको जो डेली न्यूज़पेपर के एडिटर हैं उनको पत्र लिखना था तो चलो शुरुआत करते हैं देखते हैं यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके लिए ले रही हूँ जो कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे स्टूडेंट हैं ओके इनको इनके ऐसे के लिए स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्टुएशन हुआ है 37.5 सेवन पॉइंट फाइव मिले जबकि इनका ऐसे काफी अच्छा है और लेटर के लिए इनको थर्टी मार्क्स मिले हैं और चार पांच नंबर इनको एक्स्ट्रा जो है वो दिए जा सकते थे यहाँ पर देखो इनकी जो शुरुआत है बहुत ही इम्प्रेसिव है शुरुआत बहुत ही इम्प्रेसिव है ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं वॉट इफ आर काउच बिकम्स आर ऑफिस एंड आर कम्यूट इज द लेंथ दें होल वे इट ऑल साउंड लाइक अ ड्रीम बट नॉट दीज डेज वेन वी ऑल आर लर्निंग हाउ टू लिव विद रियालिटी ऑफ करोना वायरस work from home uh, work from home are very much a reality with its own share of challenges and opportunities home based jobs are flexible and part time one can work for few hours or even Full time positions are available in transcription, translation, linguistics, engineering, marketing, finance, and sales. This provides the employee to be totally independent. He or she can rely on self motivation, self discipline, focus, and concentration. This is a good practice of time management and scheduling. Working from home makes one more productive. The employee can avoid annoyance of office life like interruptions loud co-workers and gossips one can become a commu one can become a communications expert and a tech savvy by texting skyping web meetings out of necessity home based freelance jobs allow employees to be associated with multiple organizations acquire many skills by interacting with a larger mass

Home based jobs do not offer top executive positions in the company. The COVID 19 pandemic has opened new avenues, work from home being one. Despite many challenges, many departments in both public and private sectors are operational due to this facility. with technological advancement and consumer education work from home will become the normal way of doing business theek hai to ye inka essay jo inhone kafi acha likha hua one of the best written essays in english ab aap aajaen inke letter par first may 2020 to the editor ये इस तरह से लिखना था. आगे है subject to highlight the problems faced by laborers due to the lockdown during covid 19 how respected sir i would like to draw your kind attention towards the hardships being faced by the migrant laborers due to nationwide lockdown during covid-19 outbreak more than 90% of laborers have already lost four weeks of work this loss of income has pushed them further into poverty issues like running out of rations stranded at bus stops, railway stations, illness, social boycott are surfacing. Some of them are not able to pay house rent, electricity, and phone bills. They are being mistreated by the police and facing bureaucratic hassle with no one to listen to their woes. Through your daily, I would like to bring to light their plight. I hope my appeal. अपील विल फाइंड अ प्लेस इन योर एडिटोरियल्स थैंकिंग यू योर फेथफुली ओके नाम कुछ नहीं लिखना है क्यों नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है बहुत ही बढ़िया इनका ऐसे और साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने लिखा है अपना लेटर भी ठीक है तो बहुत ही अच्छा आइए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगले पेपर पर आगे हम एक हिंदी मीडियम का पेपर ले लेते हैं हिंदी मीडियम का जो हम पेपर ले रहे हैं ये राधा का पेपर है राधा सिरसागंज यूपी से हमारी स्टूडेंट है घर से काम करना चुनौतियां और अवसर ठीक है बहुत ही देखो करंट टॉपिक्स पर लिखना जरूर प्रैक्टिस करें कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है क्योंकि इसकी अभी तक वैक्सीन कोई नहीं है केवल रोकथाम जो है वो बचाव ही रोकथाम ही जो है वो बचाव है डिस्टेंस जो है वो बचाव है ये बेहतर विकल्प है इसलिए सभी कर्मचारियों को घर पर रहें सुरक्षित रहें की सलाह दी गई है और घर से कार्य करने का आह्वान किया है घर से काम करने के संबंध में अनेक चुनौतियां हैं जैसे कई स्थानों पर नेटवर्क समस्या के कारण काम समय से न हो पाना तथा घर पर पर्याप्त स्थान न होने के कारण अपना ऑफिस सेटअप बनाने की समस्या होती है हम में से अधिकतर लोग कोई बड़े बड़े घरों में नहीं रहते हैं जो शहरों में रहते हैं छोटे छोटे घर होते हैं ओके okay, शोर शराबा बहुत है मोबाइल पर बातचीत के जरिए संपर्क मैसेज नेटवर्क पर खर्च महंगा पड़ता है कार्य में कोई बाधा आने पर सहकर्मियों की सहायता नहीं मिल पाती है लंबे समय तक अकेले रहना मानसिक भटकाव का कारण होता है जिससे कार्य क्षमता कम हो जाती है घर से काम करना साइबर सुरक्षा चिंता का विषय है जिससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लीक होने की संभावना होती है आजकल जूम ऐप का प्रयोग काफी बढ़ गया है परंतु सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस ऐप का प्रयोग असुरक्षित है परंतु घर से काम कर के अनेक लाभ हैं जैसे अपनी सुविधा के अनुसार वातावरण और स्वतंत्रता मिलने से मस्तिष्क की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है घर से काम करने से सुबह तैयार होना रास्ते में जाम का सामना करना आदि परेशानियों से छुटकारा व समय की बचत होती है अपने अनुसार कभी भी लंच करो पानी पियो चाय लो हम स्वयं के बॉस बन जाते हैं घर से हम ईमेल मैसेज के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं घर पर अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से काम कर सकते हैं घर से काम करने से परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलता है ठीक है अब ये था इनका पूरे का पूरा ऐसे जो उन्होंने काफी अच्छा लिखा हुआ है सारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब मैं आ जाती हूं इनके पत्र पर दिनांक 1 मई 2020 प्रतिष्ठा में मुख्य संपादक दैनिक समाचार पत्र क्योंकि यहां पर यही दिया गया था कि आप एक दैनिक समाचार पत्र को के संपादक को लिखें तो मुख्य संपादक और दैनिक समाचार पत्र ये इनका ए, एड्रेस है विषय कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में तालाबंदी के कारण मजदूरों की समस्या के संदर्भ में महोदय मैं आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार को तालाबंदी में मजदूरों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ तालाबंदी के परिणाम स्वरूप उद्योग धंधे होटल कपड़े की दुकानें, सड़क विनिर्माण कार्य आदि सभी बंद हो गए हैं जिससे मजदूरों को मिलने वाला काम बंद होने से उनकी रोजी रोटी पर संकट के बादल छाए हुए हैं मजदूरों के पास बचत पूंजी न होने के कारण खाना उपलब्ध नहीं हो पा रहा है इनके पास स्वयं के मकान न होने के कारण सड़क पर सोना पड़ता है आज गंभीर परिस्थिति में यह स्वास्थ्य संकट भी का भी कारण है जिससे ये मजदूर बड़े शहरों से अपने गांव को पलायन के लिए मजबूर हैं रास्ते में पर्याप्त खाना पानी न मिलने से कई लोगों की जान भी जा चुकी है अतः आशा है कि आप इन गंभीर समस्याओं से सरकार व अधिकारी वर्ग को अवगत कराने हेतु इस पत्र को अपने जनहित कॉलम में अवश्य प्रकाशित करें आपकी अति कृपा होगी धन्यवाद और फिर भवदीय। हिंदी मीडियम के जितने स्टूडेंट्स हैं उन, उन, उन जिन्होंने लिख कर भेजा है उनमें यह सबसे बेहतरीन लिखा हुआ एक जो लेटर है आपको मैं बता दूं बहुत ही सारी इसमें अच्छी चीजें एड्रेस इन्होंने बिल्कुल सही बनाया हुआ है जो प्रॉब्लम्स थी उनको

Change in technology has made it possible for people to work from their home instead of their offices. This is advancement in technology has many advantages such as flexibility of time, work-life balance, better stress management, more productivity, less distraction, better health, etc. It is also beneficial for employers from employers' point of view. It reduces real estate cost, decreases employee recruitment and training cost, lowers relocation cost. It. Also also benefits the environment by reducing the level of pollution. As we all know, that all good things have some negative points as well, so one should not overlook them. फ्यू सच चैलेंजेस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम आर लोनलीनेस डिस्ट्रैक्शंस, डिफिकल्टी इन सेपरेटिंग होम फ्रॉम वर्क ये बिल्कुल है कि जो वर्क फ्रॉम होम होता है वो वर्क फॉर होम बन जाता है खासकर महिलाओं के लिए आल्सो, एम्प्लॉयर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज देर इज ऑल्सो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क फ्रॉम होम डज नॉट सूट ऑल जॉब देर आर सर्टन लिमिटेड जॉब्स to which work from home can be applied in my opinion this development has both challenges and opportunities at present looking at the situation in the country arises because of covid 19 it is beneficial for the future of the country to work from home as much as possible but for the but in the long run we should consider carefully whether working from home is the best choice or Not. है? गौरव सैनी नोएडा उत्तर प्रदेश से अब आ जाते हैं हम इनके लेटर पर ट्वेंटी लिखा थाउन सर थ्रू दीम्ड कॉलम ऑफ योर प्रस्टीजियस न्यूज पेपर आई वुरिटीज एंड जनरल टूवर्ड्स फेस्ड बाई लेबर ड्यू टू लॉकडाउन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड नाइनटीन फिर आगे यहां पर और क्या कहा गया है आगे कह रहे हैं ड्यू टू सडन अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन बाय द गवर्नमेंट लेबरर्स आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव दे रिलाई ऑन देयर डेली अर्निंग्स ओके they rely on their daily earnings for their day-to-day -day activities. they don't have any savings in their account to survive for weeks or months in the lockdown. now they are struggling to get even one meal a day. government should provide relief to such people, but it is not only government's responsibility to help them. it is also the moral responsibility of each and every citizen to help one another. i hope if the letter is published in your esteemed newspaper, the authorities and the general public

हम आ गए हैं के अरुण बाबू के पेपर पर जो कि सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और फिर ये ग्लोबल इकोनॉमी इज इन लॉकडाउन ड्यू टू द कोविड नाइनटीन पैंडमिक इट इज नेसेसरी टू रन सर्टन सेक्टर्स इन द इकोमी टू सर्वाइव द डिजास्टर लाइक वाइज वर्किंग फ्रॉम होम इज एन Option for some which can be seen as an opportunity to run the business, yeah, opportunity okay, but it has its restrictions only to some sectors, it can be seen as an opportunity. Whereas in the service sector, like IT and MNC, have the sophistication for its employees to. Work from home. As much needed, a laptop or computer is enough to run the business. When coming to primary and secondary sectors, it is difficult for the companies, agrarians, etc., to run it from home as these are field works likewise big machineries cannot be operated by the employee sitting at home though working from home does not provide the level of sophistication as to the capital infused infrastructure dedicated for work environment the efficiency would always be low as compared to working at office though taken as an opportunity something is better than nothing as work from home doesn't suit all business and taken as a challenge it can be streamlined to make it run by organizing those work that can be done from home the maximum advantage can be gained by from differentiating the essential work that can be done working from home as only communication and technology based works can be done from होम ओके okay? इस तरह के भी काफी पेपर्स आए बड़ा एवरेज सा इन्होंने लिखा हुआ है ओके okay? चलिए अब मैं आपके साथ एक और पेपर शेयर कर देती हूँ और उसके बाद जो है देखते हैं यहाँ पर हमारा किसका पेपर आ रहा है और ये आपके सामने है जेला का पेपर जला वासुदेव जो है ये हमारे स्टूडेंट है वारांगल तेलंगाना से ये क्या लिखते हैं आइए देखते हैं

पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उनको लैपटॉप चाहिए लेकिन आजकल स्कूलों ने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी दिए तो बच्चे को भी लैपटॉप चाहिए क्या इतने सारे लैपटॉप अवेलेबल हैं घर में मान लीजिए हमारी जो स्टैंडर्ड फैमिलीज हैं शहरों में अधिकतर उनमें मदर भी वर्क फ्रॉम होम फादर भी वर्क फ्रॉम होम और दो बच्चे क्या वहां पर चार लैपटॉप होंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं देयर विल बी नो सुपरविजन ऑन द वर्क मस्ट हैंडल ऑल द वर्क अलोन द अबव मेंशनड चैलेंजेस कैन बी ओवरकम्ड By being punctual at working hours, even if we work at home, we have to take breaks as uh, per the uh, schedule and do the work as per the regular working hours only. There are some benefits like avoiding outside food while in office, reduces the commutation cost for going to office, can work with these at full potential as there are no colleagues to help there will be a great chance of improving the knowledge in the subject that we are working we can have flexible schedule cozy clothes no office distractions save energy we can spend more time with loved ones this option of working from home works only for the people who are very punctual and are in high positions in a company it becomes a hectic task to manage all the employees if they were given an option of work from home this can be granted only on the needful situation like maternity times or paternity or paternity time and if there is an emergency situation in the nation Positives इन्होंने नेगेटिव्स इन्होंने सारी चीजें जो है इनके ऐसे ने कवर की हैं बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्होंने लिखा है अब आ जाइए आप इनके लेटर पर अप्रैल ट्वेंटी 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 टू द एडिटर फिर लिखो डेली न्यूज़पेपर Problems faced by labourers, sir. With due regard, I wish to bring your kind notice to the problems being faced by labourers due to the outbreak of coronavirus pandemic. Due to the lockdown, the daily labourers lost their livelihood and earnings due to non-availability of jobs. They started on foot to reach their hometowns to earn living. Their lives are shattered. So, I request you through your esteemed newspaper, to notice this matter to reach concerned authorities. I suggest you to publish this letter and I request the concerned authorities to distribute food and essential needs and also provide them the shelter in the government-owned places like schools or colleges etc. I hope you will publish this letter to uplift the worst situation of laborers Okay? तो ये था इनका letter बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा हुआ और काफी अच्छा इन्होंने score भी किया हुआ है. आप सब ध्यान रखिए और देखिए क्या आप ऐसा लिख पा रहे हैं. आपको आपको ये ये देखना है 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 काफी बार लगता मैं लिख दूंगा लेकिन जब लिखने बैठते हैं हैं तो 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 पता चलता ओ oh गॉड मेरे तो चौके सब उड़ गए ठीक अब देखो आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट best, लिखते रहे, करते रहे, से ही इम्प्रूवमेंट होगा so, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी बाय